हे नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करते हुए और नए फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वीवो V23 Pro 5G इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है और यहाँ आपको मैं कुछ चीजें पॉइंट आउट जो करना चाहूंगा कि ये कैसा हैंडसेट है। पर्सनली पूरी बातें करेंगे तो सबसे पहली चीज, इसका जो प्राइस है 12+256GB वेरियंट वो लगभग 44,000 का आता है और 39,000 का लगभग यहाँ पे 8+128 आता है। फीचर्स की बात कर लें तो फिर स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट मिलता है। 108+8+2 मेगापिक्सल का पीछे 3 कैमरा का सेटअप है। फ्रंट में 50+8 मेगापिक्सल है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.56 यहाँ पर फुल HD+ विथ 90Hz का रिफ्रेश रेट है। कर्व्ड डिस्प्ले है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो थिकनेस है वो सिर्फ 7.36mm है। तो मैं बोल सकता हूं और ब्रांड भी बोलती है कि ये इंडिया का पहला कर्व्ड स्लिमेस्ट हैंडसेट है। साथ में 44 वॉट का चार्जर मिलता है, डायमेंसिटी 1200 और मतलब ढेरों कैमरा के अंदर फीचर्स, बहुत सारे चीजें मिलते हैं जिसको आप यहां पर उसके हिसाब से फोटोज खींच सकते हैं। कैमरा के अंदर अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहां पर बहुत ज्यादा चीजें दी गई है। इंटरफेस सिंपल है, इजी टू यूज है और यह स्टेडी मोड, यहाँ पर अल्ट्रा स्टेडी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे वीडियो मोड में। और फ्रंट कैमरा में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ 720 पिक्सल्स में 30fps और 60fps पे भी ले सकते हैं और 1080 फुल HD पे भी यहाँ पे 30+60 और 4K में भी आपको 60fps तक यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आप बुके बोलिए या फ्लेयर मोड बोलिए, आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने वीडियो के पीछे जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। टेलीप्रॉम्प्टर अगर हम बात करें या फिर फ्रेमिंग लाइंस, लेवल मीटर, मूवी, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे फ्रंट कैमरा से अगर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो फिर यहाँ पे स्टेडी फेस करके ऑप्शन आपको मिलता है, वहां से भी आप स्टेडी कर सकते हैं। तो चेहरा को ये कुछ स्टेडी फेस में कुछ यहाँ पर फोकस करता है तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वीडियो की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन आएगी। प्लस यहाँ पे स्टेडी मोड जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रा स्टेडी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल यहां पर कैमरा में मैं बोलूंगा कि ठीक है, फीचर्स दिए गए हैं। जैसे हमें पता है कि ओप्पो और वीवो के जो फोन्स होते हैं बेसिकली यहां पे कैमरा सेंट्रिक होता है, कैमरा पे ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग। जैसे कि यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि स्टेबलाइजेशन में भी स्टैंडर्ड और अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन दिया गया है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है कि यहां जिस प्राइस पर ब्रांड आपको फोन दे रही है उस प्राइस पर हमें OIS मिलना चाहिए, लेकिन OIS नहीं है इसके अंदर, क्योंकि OIS एक फिजिकल हार्डवेयर होता है और कहीं ना कहीं OIS की वजह से आपके कैमरा की जो इमेज की जो क्वालिटी है वो भी इनहेंस हो जाती है, तो जो कि इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगली चीज जो मुझे ड्रॉबैक लगा वो ये था कि नो डाउट ब्रांड जिस हिसाब से बोस्ट कर रही है, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जी हाँ, मैं एकदम क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कलर चेंजिंग बैक पैनल तो ऐसा नहीं है कि एकदम भयंकर वाला ब्लू हो जाएगा, क्योंकि ऑरोरा ग्रीन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑरोरा कलर इसे कहते हैं। तो ये कलर हल्का, जो ऑरोरा वाला जो ब्लूइश वाला कलर है वो थोड़ा स्विच होता है, ना कि कंप्लीट यहां पर आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, इनोवेटिव है, डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि वीवो ने इसके ऊपर काम किया है। लेकिन आप जो ये सोच रहे हैं कि एकदम जबरदस्त वाला कलर चेंज कर देगा तो जी नहीं, वैसा कोई जबरदस्त कलर चेंज नहीं होने वाला है। स्लाइट कलर चेंज होता है, ब्लूइश कलर हो जाता है और एक ही कलर में चेंज होता है, ज्यादा कलर्स चेंज नहीं होता है इसके अंदर। बिल्ड एंड डिजाइन की हम बात करें तो बिल्ड एंड डिजाइन मुझे इसका अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पर रेनो 6 भी इस्तेमाल कर रहा हूं, रेनो 6 प्रो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सेम इक्विवेलेंट यहां पर बिल्ड और डिजाइन क्वालिटी है, कुछ ज्यादा अंतर या फिर डिफरेंस नहीं है। यही है कि इसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफी इन लोगों ने लिख दिया, क्योंकि फ्रंट में 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स यहां पे देख लेते हैं और बात करते हैं साथ ही साथ। लो लाइट कंडीशंस में मैं बोलूंगा कि हाँ, कैमरा यहां पर स्ट्रगल करता है वीवो V23 Pro 5G के अंदर भी, लेकिन वहीं अगर आप ब्राइट लाइट कंडीशंस में लेते हैं तो डेफिनेटली यहां पर अच्छे आपको इमेजेस मिलते हैं। अब फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो सेल्फीज, अल्ट्रा वाइड या फिर ढेरों वीडियोज यहां पर आप शूट कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं अंदर में, आप जाके इनेबल करके आप इमेजेस क्लिक कर सकते हैं। लो लाइट कंडीशंस में नो डाउट फ्रंट कैमरा शानदार इमेजेस लेता है, नंबर भी है भाई 50+8 मेगापिक्सल, बड़ा यहां पर आपको नंबर मिलता है तो डेफिनेटली यहां पर बेहतरीन आपको इमेज की क्वालिटी मिलेगी। वीवो V23 Pro 5G का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर बात करूं तो मुझे बेहतरीन लगा, अच्छा लगा। डे टू डे यूसेज में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाला है। हाँ, ब्लोटवेयर्स की अगर हम बात कर ले तो वीवो V23 Pro 5G के अंदर भी आपको ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, जैसे कि मौज डाल करके दिया गया है इसके अंदर, नेटफ्लिक्स, क्रेड,
साथ ही साथ हॉट गेम्स, हॉट एप्स, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाई साहब और भी पता नहीं कुछ कुछ होगा इसके अंदर, बट हाँ इन सारे एप्लीकेशंस को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ब्रांड से कि अगर आप इनको अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप इन्हें ना ही डाल करके दे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आप जो प्राइस ले रहे हैं डेफिनेटली उस प्राइस पर ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की, क्योंकि यहां पे रिव्यू हम दे रहे हैं Vivo V23 Pro 5G को लेकर के, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि एक ओवर प्राइस्ड हैंडसेट है। अगर हमें देखना हो तो इसी की दूसरी ब्रांड है Oppo, जो कि इससे कम प्राइस पर आपको अच्छे स्पेक्स और अच्छा चीज, जी हाँ, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा इनहेंस करके दिया हुआ है। तो मैं बोलूंगा कि इसके कंपैरेटिवली और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन Vivo V23 Pro 5G हर बार की तरह, जैसे Vivo के प्रोडक्ट्स यहां पर ओवरहाइप्ड होते हैं प्लस ओवरप्राइस्ड होते हैं, तो वैसा ही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो कैमरा वगैरह अगर आप सेल्फी में कुछ अलग यहां पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट मुझे लगता है 44,000 रुपीज सिर्फ एक सेल्फी को ट्रायल देने के लिए इज कंप्लीटली अनजस्टिफाइड। ऑफर्स डिस्काउंट्स के साथ अगर ये आपको मिल जाता है 12 प्लस 256 वाला वेरिएंट, अगर आपको 35-36 के आसपास मिलता है तो देन डेफिनेटली गिव अ थॉट अबाउट इट, क्योंकि आपको इसी प्राइस पे लगभग Oppo Reno 6 Pro 5G भी मिलता है टॉप वेरिएंट। इस प्राइस पर अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली आप Vivo V23 Pro 5G को ट्राई आउट दे सकते हैं। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बट इसी प्राइस सेगमेंट में जो मैंने अभी आपको बताया, Not at 44,000 rupees of cost, और बहुत ज्यादा महंगा है जिस प्राइस पर यहाँ पे ब्रांड ने लॉन्च किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।